शराबी कैसे लाइनों में लग गए। और सोचिए यही सरकारें कल तक कोरोना के लिए गंभीर थी और आज ठेकों के बाहर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है। हेलीकॉप्टर ले आओ, अरे भाई कोई फूल बरसाओ। बड़े दिनों के बाद ठेके के बाहर रौनक दोबारा लौट आई है। बड़े दिनों के बाद सूखे गले तर होंगे, बड़े दिनों बाद दोबारा महफिलें जमा होने के लिए तैयार है। एक तरफ कोरोना के कहर से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप खुश हो जाइए, देश की सबसे जरूरी दुकान खुल चुकी है। इसके बिना भारत की इकोनॉमी को कोई छू नहीं सकता। इस दुकान का खुलना बेहद जरूरी था, तो आपकी खिदमत में पेश है शराब की देसी विदेशी मॉडल साफ महाबियर की दुकान। कल तक जहां चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी थी, कल दवाई लेने जा रहे थे, आज की तारीख में बता दीजिए कि दारू की दुकान जा रहे हैं, तो पुलिस आपकी आरती उतारेगी, उसके बाद ठेके तक खुद ही छोड़ाएगी। कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो वाले सारे सवाल खत्म। रेड जोन वाले जिले में शराब कौन सा पात्र लेकर जा रहा है, क्या कोई बताएगा कि शराब को राशन की श्रेणी में रखा गया है या दारू की दवाई की कैटेगरी में डाला गया है। कोई सवाल नहीं, सब ठेके खुले हैं। बहुत दिनों के बाद ठेके खुले हैं। कोई कह दे कि कोरोना बाद में आना, अभी देश ठेके के बाहर खड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं नवीन चौहान की यह रिपोर्ट। और ये बाबा जी लेकर निकले, ये क्या मिल गया बाबा जी? बढ़िया पोवा मिल गया, दारू मिल गया। हाँ जी, आज सारे आज ही पियोगे क्या? नहीं नहीं, कल तक क्या पता ना खुले। ओहो, इतने लिए? चार लिए, चार। चार से ज्यादा नहीं दिए ना? ये बड़ी बड़ी कतारें ये आज बता रही हैं कि लोगों की बारी आ गई। डेढ़ महीने बाद आज कम से कम जब शटर उठे तो भीड़ अपने आप टूट गई। आप थोड़ा सा वाइड फ्रेम दिखाएं रोहित, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब लेकर लोग निकल रहे हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान में दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये चेहरे की मुस्कान आज ज़रूर आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, नंबर जब आने लगा, पास पास जब आने लगे, वो देखिए किस तरीके से लेकर जा रहे हैं। कहीं बियर मिल रही है तो कहीं इस तरीके से।